नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुसर रफराना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गढ़मुक्तेश्वर में बिजली विभाग के कर्मचारी बने सरकारी पैसे के मालिक, कर डाला 66 लाख रुपए का घोटाला और भर लिया अपना घर। किसान मजदूरों के भुगतान का पैसा लगाया ठिकाने। आपको बता दें कि मामला जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का है, जहाँ विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने विभाग की 66 लाख का गबन कर लिया। इन दोनों विद्युत के कर्मचारियों ने 66 लाख से अधिक का किया घोटाला। इतना ही नहीं, विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिलों के ऑफलाइन वसूली कर विभाग को लाखों का चूना लगाने की साजिश रची। वहीं आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला अधिकारियों की जानकारी में आया तो वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सर, कल जो बिजली विद्युत विभाग के कर्मचारी मुकदमा दर्ज हुआ था, क्या मामला था? ये एक्सएन विद्युत गढ़मुक्तेश्वर की तहरीर पर, थाना गढ़मुक्तेश्वर पर उनके विद्युत विभाग के ही टेक्निकल ग्रेड 2 पद के 2 कर्मचारियों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत थानागढ़ पर किया गया है। जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके अनुसार दोनों कर्मचारियों पर विभागीय कैश जमा करने के दौरान लगभग 65 लाख रुपए गबन किए जाने का आरोप अंकित है, जिसके आधार पर थानागढ़ मुक्तेश्वर पर 409 ITC का अभियोग पंजीकृत किया गया। सब क्या क्या धारा लगाई गई इन लोगों पर? मैंने बताया कि 409 ITC का अभियोग दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जो है FIR करते समय लगाया गया है।